अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुफियान इकराम और आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमने तमाम टॉपिक्स को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कौन से टॉपिक में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ओवरव्यू में से नॉर्मली 3 क्वेश्चंस आते होते हैं, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है डिजिटल कन्वर्जेंस का। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आंसर भी मौजूद है। इसके अलावा व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस इस पहले पेज में से, ओवरव्यू के पेज में से आते होते हैं। आगे मॉडर्न सिनेरियो के अंदर से बात करें तो समटाइम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। आगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाता है क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस अक्सर ही बोर्ड के पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट कुछ हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, इनमें अक्सर जो MCQ आता होता है ये टर्मिनल के हवाले से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टर्मिनल क्या चीज़ है। तो टर्मिनल एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मिला के बनाई जाए। यानी टर्मिनल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे इनपुट भी किया जा सके, एट द सेम टाइम आउटपुट भी दी जा सके। तो इसी तरह टच स्क्रीन के हवाले से भी MCQs आ जाता है, टर्मिनल के हवाले से भी MCQs आ जाता है। सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आ जाता है फिर, कि सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस के बारे में एक्सप्लेन करें। तो उसमें फिर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ड्राइवर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कस्टम बिल्ड और पैकेज सॉफ्टवेयर को भी एक्सप्लेन करना होता है। आगे देखें तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड के हवाले से अगर बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है क्वर्टी के हवाले से, व्हाट इज क्वर्टी। ठीक है, इसके अलावा जो कीबोर्ड के ऊपर से MCQs आ जाते हैं ज़्यादा, कीबोर्ड के ऊपर 101 कीज होती हैं, ये वाला MCQs भी अक्सर आता है। कीज के हवाले से समटाइम्स MCQs में आ जाता है हमारे पास के बैक स्पेस की काम क्या करती है, या समटाइम्स इनका डिफरेंस आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक स्पेस एंड डिलीट की। तो बताया था बैक स्पेस की जो है वो कर्सर के लेफ्ट वाले करेक्टर को रिमूव करती है, जबकि डिलीट की जो है वो कर्सर के राइट साइड वाले करेक्टर को रिमूव करती है। इन कीज के हवाले से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। आगे बात करें पॉइंटिंग डिवाइसेस, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस का जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइसेस, एक्सप्लेन 3 और 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो अब ये सारी की सारी चूँकि पॉइंटिंग डिवाइसेज ही हैं तो इनमें से कोई भी सी भी 4 आपने जो है वो एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो या फिर अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन ना आए तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, के माउस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रैक बॉल के हवाले से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई ट्रैक बॉल इज बेटर देन माउस, या एडवांटेजेस ऑफ ट्रैक बॉल ओवर माउस, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में ये पॉइंटिंग स्टिक का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करें, ये भी अक्सर आ जाता है। फिर हमारे पास आती हैं सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इनको कंसीडर किया जाता है। ये हमारे पास सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस, या इनको सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस भी कहते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस के हवाले से भी आ सकता है, स्कैनिंग डिवाइसेस के हवाले से भी आ सकता है, और मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस के हवाले से भी आ सकता है। तो नॉर्मली इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से आता होता है कि व्हाट आर सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस, कौन सी होती हैं, एंड एक्सप्लेन मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस।
तो ये आप ये देख रहे हैं कि मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के अंदर जो चीजें आ रही हैं वो आप एक्सप्लेन करते हैं। समटाइम्स वो स्कैनिंग डिवाइसेस का भी पूछ लेता है। जब वो आपसे मार्क एंड करेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस के बारे में पूछेगा तो फिर आपको आपके ऊपर लाजिम है कि आप MSCR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड या स्मार्ट कार्ड इन्हीं में से लिखें। लेकिन अगर वो आपसे स्कैनिंग डिवाइसेस के बारे में पूछता है तो फिर आप बारकोड के बारे में भी लिख सकते हैं, फैक्स मशीन इमेजिंग सिस्टम के बारे में भी लिख सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर ये आता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इन दोनों के दरमियान सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के दरमियान ये जो डिफरेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आ जाए। फिर आगे डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आ तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि भी इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए। इसके अंदर से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमारे पास ये वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स के अंदर VGA, SVGA, XVGA इन तीनों में से किसी एक को पूछ लिया जाता है। इसी तरह इसके अंदर रेजोल्यूशन की डेफिनेशन मौजूद होगी, ठीक है। इसी तरह पिक्सेल की डेफिनेशन मौजूद होगी। मोनोक्रोम मोनिटर्स हमने देखे थे, यानी टू कलर्स वाले, ठीक है। MCQs के हवाले से बात कीजिए, RGB कलर्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन से VGA में कितनी रेजोल्यूशन है, कितने कलर सपोर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। CRT मॉनिटर के बारे में भी अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि डायग्राम्स बनाएं। हर वो टॉपिक जिसकी अंदर डायग्राम मौजूद है वो डायग्राम लाजमी आपने बनानी होती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे LCD, LED और प्लाज्मा डिस्प्लेज जो है इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। एक क्वेश्चन इसके अंदर से बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो फैक्ट यहाँ पे बयान किया हुआ था। फैक्ट ये था कि हमारे जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट और गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और इसलिए ज़्यादा LCD इस्तेमाल की जाती है, ये दोनों टेक्नोलॉजीज ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है के वाई फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर सूटेबल फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। वाई फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर सूटेबल या बेटर फॉर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। तो हमने ये पढ़ा था कि थिनर होते हैं, वेटलेस होते हैं। प्रिंटर के टॉपिक के अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यानी प्रिंटर का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है प्रिंटर्स के अंदर से, और इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का सवाल अक्सर अलग अलग आता है। यानी या इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स का क्वेश्चन अलग आएगा, यानी या तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आएंगे या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आएंगे। तो उसमें अगर इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं तो आपने इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन और फर्दर डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर को एक्सप्लेन करना होगा। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर को आपने एक्सप्लेन करना होता है। प्लॉटर का जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता तो लॉन्ग क्वेश्चन भी समटाइम्स आ जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रॉबली आ जाता है। सॉफ्टवेयर के अंदर से बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर लॉन्ग नहीं आया ना तो फिर इसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। आगे ये हमारे बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज, एक तो ये MCQs के हवाले से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन में बिट और बाइट के दरमियान डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 MB में कितनी गीगाबाइट्स हैं, सॉरी 1 GB में कितनी मेगाबाइट्स हैं। तो इस तरीके से आपके पास MCQs आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो छोटा सा ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वर्ड का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वर्ड का टॉपिक
अक्सर शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका पूछ लिया जाता है। आगे हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC है। तो अच्छा, इस SDLC में सबसे पहले तो सिस्टम की डेफिनेशन, सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद ये जो आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन। तो सिस्टम की डेफिनेशन ये हमारे पास राइट साइड में बॉक्स में मौजूद है, और सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। नॉर्मली ये जो सिस्टम डेवलपमेंट का टॉपिक है, इसमें से ना लॉन्ग क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ही बने, ठीक है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आ जाए, आपके पास, आपको इन तमाम टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। फिजिबिलिटी स्टडी के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसी तरह डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स का बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें आपने बताना होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज, क्वेश्चनर्स, ऑब्जर्वेशन, सैम्पलिंग, ये सारी की सारी क्या है, डेटा गैदरिंग की टेक्निक्स हैं। इसी तरह आगे डेटा एनालिसिस की बात करें, तो डेटा एनालिसिस के बारे में भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। और डिज़ाइन के हवाले से बात करें, लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। टेस्टिंग, टेस्टिंग यानी यूनिट टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इम्प्लीमेंटेशन की डिफरेंट जो अप्रोचेज है, ये पांच अप्रोचेज है, इनके बारे में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है, वाई यूजर ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में आते हैं तो देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऊपर अभी बता के आया हूँ। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इन डिटेल। व्हाट इज इम्प्लीमेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स अप्रोचेज, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैं ऊपर आपको बता के आ रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूसेज ऑफ इनपुट डिवाइसेस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। तो अभी मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो आता है कि इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ एक इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखना होता, तीन चार पाँच। अगर आपने उसने आपको एनलिस्ट नहीं किया ना, तो आप कम से कम चार डिवाइसेस को जरूर एक्सप्लेन करें। डिस्क्राइब द एनहांस कीबोर्ड एंड सेगमेंट्स, कीबोर्ड के हवाले से क्वेश्चन है। सेगमेंट्स यानी कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी टाइप की कीज मौजूद है। राइट द नेम ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट कैन कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। तो ये बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। आगे है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। तो शॉर्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन क्या काम क्या होता है, और कुछ एक जो है ना वो आपने लिखनी है। तो डिस्क्राइबिंग द फंक्शन फंक्शनिंग ऑफ लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के वाले से क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूसेज ऑफ प्लॉटर, प्लॉटर किस लिए इस्तेमाल होता है। नेम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लॉटर्स, और दो तरह के थे, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बिट प्लॉटर। डिफाइन द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर वर्ड्स, अब आपने अपने वर्ड्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके हवाले से क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SDLC, डिफाइन इट्स स्टेप्स प्रॉपरली। तो ये जो है वो आगे SDLC का एक किस्म का लॉन्ग ही बन जाता है, लेकिन SDLC में से पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से ज़्यादा आता है। तो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपको बता सकूं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरा यानी सुफियान इकलाम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।